Chemistry, Class 9, Federal Board, Chapter 6, Self-Assessment Exercises. Self-Assessment Exercise 6.1. Question number 1. The maximum amount of sodium acetate that dissolves in 100 gram of water at 0 degree centigrade is 119 gram and 170 gram at 100 degree centigrade. ये हम इसको दें एसिटेट के अमाउंट दें ये जो कि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड में डिसॉल्व होती है 100 ग्राम वाटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमसे पूछा गया पार्ट ए में इफ यू ऐड 170 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड हाउ मच विल डिसॉल्व। अगर हम 170 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट को ऐड करते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर तो कितनी डिसॉल्व होगी एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि सोडियम एसिटेट दैट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इज 119 ग्राम, तो अगर हमने 170 लिए तो उसमें भी 119 ग्राम ही डिसॉल्व होगी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे पूछा गया कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है सोडियम एसिटेट का 100 ग्राम ऑफ वाटर बाय टेकिंग 119 ग्राम सोडियम एसिटेट, क्या ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड। द सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड, ये जो सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड होगा क्योंकि इसके अंदर मजीद सोडियम एसिटेट जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता अनलेस वी हीट। Part C, if the solution is heated to 100 degrees centigrade, is the solution now saturated, unsaturated or supersaturated? अगर हम solution को 100 degrees centigrade पे heat कर लें तो ये solution अब saturated होगा, unsaturated होगा या supersaturated होगा? The solution will be supersaturated as it can dissolve more amount of solute. तो हमें जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड। क्यों सुपर सैचुरेटेड होगा, क्योंकि इट कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। पार्ट डी, इफ द सॉल्यूशन इज कूल्ड बैक टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नो क्रिस्टल अपीयर, इज द सॉल्यूशन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अगर हम सॉल्यूशन को जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोबारा से कूल कर दें तो और क्रिस्टल हमारे पास नहीं अपीयर हो तो हम बताएं उन्हें कि ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। द सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड एज नो क्रिस्टल कैन अपीयर, हमें कोई क्रिस्टल नहीं मिले तो सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड मीन्स हम मजीद सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। Now self-assessment exercise 6.2, question number 1. What are the physical states of solute and solvent in each of the following solution? Also identify the type of solution. ये हमें put solutions दी हुई हैं, हमने उन्हें बताना है ये solute की क्या physical state है, solvent की क्या physical state है और जो हमारे पास solution है किस type का है। नंबर ए है डीप सी डाइवर यूज अ ब्रीदिंग मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, बी है ब्रास कंटेन्स 80% कॉपर एंड 20% जिंक, सी है डेंटल फिलिंग, डी है ब्रोइंग सॉल्ट इन वाटर, ई है ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग क्लोरीन एज डिसइंफेक्टेंट और एफ है जेमस्टोन्स रोबी कंटेन Cr2O3 and Al2O3. G है concentrated H2SO4 we use in laboratory is 98% H2SO4 and contains only 2% of water. अभी मैंने टेबल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन है, उसके अंदर हीलियम जो है वो सॉल्यूट है
which is in the form of gas. I have a solvent you had, that is oxygen, and it is also in the form of gas. और जो type of solution बनेगी हमारे पास वो होगी gas in gas. Next is brass. 20% zinc in solid form is solute and 80% copper in solid form is solvent. जो हमारे पास कम amount में जो चीज available होगी वो क्या होगी solute और जो ज्यादा amount में available होगी वो होगी solvent. तो जो हमारे पास जो solution है वो होगा solid in solid. Now number C, dental filling. Mercury in state of liquid is solute, or silver in state of solid is solvent. और जो हमारे पास type of solution में ये क्या है liquid in solid. Brine, salt like sodium chloride MCl is in solid form, or state of solvent है water in the form of liquid. Solution जो है वो क्या है solid in liquid. Drinking water containing chlorine. Chlorine is solute in the form of gas and water is solvent in the form of liquid. Or solution जो है हमारे पास वो है gas and liquid. Now gemstones or ruby. State of solute. Solute है हमारे पास Cr2O3. Or in form of gas or solvent Al2O3 in the form of solid. Our type of solution you have gas in solid hai, concentrated H2SO4. 2% H2O liquid solute hai, or 98% of H2SO4 in the form of liquid solvent hai. Our solution jo banega wo liquid in liquid. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में चीज प्रेजेंट है वो क्या होगी सॉल्यूट और जो लार्ज क्वांटिटी में वो होगी सॉल्वेंट. और जब हम सॉल्यूशन का नेम लेंगे तो हमने क्या लिखना है पहले सॉल्यूट फिर इन फिर सॉल्वेंट मतलब जो उनकी फिजिकल स्टेट्स है. जैसे अब फर्स्ट केस में हम देखते हैं मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन है, हीलियम भी गैस है और जो सॉल्वेंट ऑक्सीजन है वो भी गैस है, तो हमने लिखा है गैस इन गैस. सिमिलरली ब्रास जिंक सॉलिड सॉल्यूट है, कॉपर सॉलिड सॉल्वेंट है, तो हम पहले लिखेंगे सॉलिड इन सॉलिड. मरकरी लिक्विड है, सिल्वर सॉलिड है, क्योंकि मरकरी जो है वो सॉल्यूट है तो हमने उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो पहले लिखी लिक्विड इन सॉलिड एंड सो ऑन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Self assessment exercise 6.3, question number 1. Write 4 ways to express percentages of solutions. 4 ways express karne hain, batane hain jo hum percentage of solutions ke liye istemal karte hain. Number 1 hai mass by mass percent, m over m. B hai mass by volume percent, m over v. C hai volume by mass percent, v by m. D है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट V बाय V. क्वेश्चन नंबर 2. अ सेलाइन सॉल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर डिहाइड्रेशन. दिस इज लेबल्ड एज 0.85 मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl. व्हाट डज इट मीन. सेलाइन सॉल्यूशन जो है वो हमें दिया हुआ है, उसके अंदर हमें बताया हुआ है कि 0.85% मास बाय वॉल्यूम NaCl प्रेजेंट है, तो उसका क्या मतलब है हमने उन्हें एक्सप्लेन करना. 0.85% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl मींस दैट 0.85 ग्राम ऑफ NaCl 99.15 cm³ ऑफ वाटर टू मेक 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशंस. मतलब अगर हमने 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन बनाना है उसके अंदर हमने 0.85 ग्राम ऑफ NaCl को डिसॉल्व करना है 99.15 cm³ ऑफ वाटर. हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेलाइन सॉल्यूशन. नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 1. पोटेशियम क्लोरेट K
KClO3 is a white solid. It is used in making matches and dyes. Calculate the molarity of solution that contains part A, 1.5 moles of this compound dissolved in 250 cm cube of solution. अब हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है जो कि कंटेन करे 1.5 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिसॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 1.5 मोल्स. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 सीएम क्यूब. जब हम सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम करेंगे 250 डिवाइडेड बाय 1000, वी विल गेट 0.25 डीएम क्यूब. मोलैरिटी ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब. मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स बाय वॉल्यूम. वी हैव 1.5 मोल्स. व्हेन वी डिवाइड इट बाय 0.25 डीएम क्यूब वी विल गेट 6 मोल्स पर डीएम क्यूब. And molarity will be 6 molar. Now part B, 75 gram of this compound dissolved to produce 1.25 dm cube of solution. अब हमें gram दिया हुआ है potassium chlorate का mass 75 gram और volume हमें दिया हुआ है 1.25 dm cube of solution. हमें molarity find करनी है. Mass of KClO3 molar mass of KClO3 39 for potassium plus 35.5 for chlorine and 16 into 3 for O3. We will get 122.5 gram. Volume of solution 1.25 dm cube. Molarity is equal to mass of solute divided by molar mass of KClO3 into 1 over volume in dm cube. Mass of solute हमें दिया हुआ है 75 divided by 122.5 into 1 by 1.25. We will get 0.49 mole per dm cube. Part C. What is the molarity of a 50 cm cube sample of potassium chlorate solution that yields 0.25 gram residue after evaporation of the water? अब हमने molarity find करनी है of 50 cm cube sample of potassium chlorate that yields 0.25 gram of residue after evaporation of water. Mass of KClO3 residue 0.5 gram, मतलब जो evaporation of water के बाद जो हमें मिला है residue KClO3 का वह 0.25 gram. Molar mass of KClO3 is equal to 122.5 gram. Volume of solution 50 cm cube, and when we will convert cm cube to dm cube, we will get 0.05 dm cube. Molarity formula है, molarity is equal to mass of solute divided by molar mass of KClO3 into 1 over volume in dm cube. Molarity is equal to 0.25 divided by 122.5 into 1 over volume, that is 0.05 dm cube. We will get molarity is equal to 0.041 molar. Now Celsius is 6.5. Question number 1. Sodium hydroxide solutions are used to neutralize acid and in the preparation of soaps and rayons. If you dissolve 25 gram of sodium hydroxide to make 1 dm cube of solution, what is the molarity of this solution? हमें मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड मोलैरिटी. मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 25 ग्राम. मोलर मास ऑफ NaOH 23 प्लस 16 प्लस 140 ग्राम. मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू 1 ओवर वॉल्यूम.
we will get molarity is equal to 25 divided by molar mass, that is 40 into 1 over volume, that is 1. We will get 0.625 molar. Now question number 2. A solution of NaOH has concentration 1.2 molar. Calculate the mass of NaOH in gram per dm in this solution. Concentration mein diya hai sodium hydroxide ki, that is 1.2 molar. Humne calculate karna hai mass in gram per dm. Molarity of NaOH solution 1.2 molar. Mass of NaOH find karna hai. Molar mass of NaOH is equal to 40 gram per mole. Volume of solution 1 dm³. Molarity is equal to mass of solute divided by molar mass of NaOH into 1 over volume in dm³. Molarity we are given with 1.2 molar. We have to find mass of solute divided by 40, that is molar mass, into 1 over 1. Mass of NaOH 1.2 into 40, we will get 48 gram. Question number 3. A solution is prepared by dissolving 10 gram of hemoglobin in enough water to make up 1 gm cube in volume. Calculate molarity of this solution. Molar mass of hemoglobin is 6.51 into 10 raised to the power of 4 gram per mole. Mass of hemoglobin is equal to 10 gram. Molar mass of hemoglobin is equal to 6.51 gram per mole, or 6.51 into 10 raised to the power of 4 gram per mole. Volume of solution 1 dm³. Molarity is equal to mass of solute divided by molar mass of hemoglobin into 1 by volume in dm³. We are given 10 gram of hemoglobin and molar mass is 6.51. When we divide and multiply it by 1 over 1, we will get 1.536 into 10 minus 4 molar. That is the molarity of hemoglobin. Now self-assessment exercise 6.6. Question number 1. How can you prepare 500 cm³ of 0.2 molar KMnO4 solution? हमने procedure बताना है कि जिससे हम prepare कर सकते 0.2 molar KMnO4 in 500 cm³ of solutions. To prepare 0.2 molar KMnO4 solution in 500 cm³ volumetric flask, follow the following steps. Volume of solution 500 cm³ is equal to 0.5 dm³. 0.2 molar KMnO4 solution means that 1 dm³ solution containing moles of KMnO4 is equal to 0.2 moles. Zero point two divided by one into 0.5, we will get 0.1 moles of KMnO4. 0.2 molar KMnO4 solution. The क्या मतलब है कि 1 dm³ solution containing moles of KMnO4, that is 0.2. मतलब अगर हमारे पास 1 dm³ solution के अंदर होने चाहिए 0.2 moles of KMnO4. Molar mass of KMnO4 is equal to 158 gram per mole. Moles of KMnO4 is equal to mass divided by molar mass. That is the formula of moles. We are given with moles, that is 0.1 moles. We have to find mass, and we are given with molar mass 158 gram. We will get mass of KMnO4 is equal to 15.8 grams.
अब हमें मैस मिल गया कि एमिनो फोर का जितना हमें चाहिए फॉर 0.2 मोलर के एमिनो फोर, अब दैट इज 15.8 ग्राम। फिर हमने क्या करना है कि 15.8 ग्राम उसके एमिनो फोर को वेट करना है बाई यूजिंग वेइंग बैलेंस। एड द सॉलिड इन द बीकर एंड एड सम वाटर टू डिजॉल्व। हमने इसको बीकर के अंदर डालना है सॉलिड को, फिर थोड़ा सा वाटर लेना है ताकि वो डिजॉल्व हो सके। ट्रांसफर दिस सॉल्यूशन टू 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। फिर हमने सॉल्यूशन को ट्रांसफर करना है इन टू 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड ऐड मोर वाटर। कीप एडिंग वाटर अंटिल द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन राइजेस टू द मार्क लाइन एंड मिक्स द सॉल्यूशन। हमें तब तक वाटर ऐड करना है जब तक हमारा जो है सॉल्यूशन मार्क लाइन को टच नहीं कर जाता और हमने सॉल्यूशन को मिक्स करना है। देन वी विल गेट द 0.2 मोलर के एमिनो फोर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू प्रिपेयर 25 सीएम क्यूब ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CuSO4.5H2 दैट इज ब्लू विच ट्राई। प्रोसीजर इज सेम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.05 सीएम क्यूब। 0.25 molar solution of CuSO4 means that 1 dm cube solution containing moles of KMnO4 is equal to 0.25 moles. 0.025 solution of CuSO4.5H2O is equal to 0.25 moles divided by 1 into volume. We will get 0.00625 moles. Moles of CuSO4.5H2O is your formula by the mass of CuSO4.5H2O divided by molar mass. CuSO4.5H2O is copper sulfate. Molar mass of CuSO4.5H2O is equal to 249.5 gram per mole. 0.00625 हमें moles दिए हुए हैं, mass of CuSO4 हमें चाहिए और molar mass से जब हम multiply करेंगे 0.00625 से तो हमारे पास mass of CuSO4 वैल्यू आएगा 1.56 grams. To prepare 0.25 solution of CuSO4.5H2O in 25 cm cube, add 1.56 gram of this solid with water up to the mark of 25 cm cube of volumetric flask. This will be a desired solution. Same procedure, only numerical to have a difference, but the procedure to have the same. Now let's move forward. Self-assessment exercise 6.7. Question number 1. Isotope solution of hydrochloric acid is 12.1 molar. How many cm cube of this solution should be used to prepare 500 cm cube of 0.1 molar HCl? हमें मोलैरिटी दी है HCl की, दैट इज 12.1 मोलर। हमसे पूछा गया कि हम कितना वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का। To prepare 500 centimeter cube of 0.1 molar HCl. Molarity of HCl solution is equal to M1 is equal to 12.1 molar. Volume of HCl needed V1 we have to find. Molarity of HCl required 0.1 molar. Volume of desired HCl V2 is equal to 500 centimeter cube. So, according to molarity equation, that is M1 V1 is equal to M2 V2, we have to find V1. We will get V1 is equal to 4.13 centimeters cube by calculations as shown. Transfer 4.13 centimeter cube of 12.1 molarity to a 500 centimeter cube volumetric flask.
and dilute it by adding water up to the mark and mix. Resulting solution will be 0.1 molar HCl. हमने लेना है 4.13 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 12.1 मोलर HCl. हमने इसको ट्रांसफर करना है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक ग्लास और हमने अप टू द मार्क जो है वो वाटर को ऐड करना है सॉल्यूशन को मिक्स करना है तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा 0.1 मोलर HCl. क्वेश्चन नंबर 2 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2O7 इज अ रेड ऑरेंज कंपाउंड. It is a strong oxidizing agent and is used in the estimation of iron content in ores. Isotope solution is 2.5 K2Cl2O7. 2.5 molar. How many cm cube of this solution you need to dilute to make 50 centimeter cube of 0.05 molar K2Cl2O7. Same is the procedure on numerical difference होगा. Molar mass of K2Cl2O7 is equal to 294 gram per mole. Molarity of K2Cl2O7 potassium dichromate is equal to 2.5 molar. Volume of K2Cl2O7 needed V1 we have to find. Molarity of desired K2Cl2O7 जो हमें चाहिए वो है 0.05 molar. Volume जो हमें चाहिए वो है 50 centimeter cube. So according to molarity equation M1V1. Volume of desired K2Cl2O7 that is 50 centimeter cube. So according to molarity equation M1V1 is equal to M2V2. We have to find V1 and we will get V1 is equal to 1 cm cube. Transfer 1 cm cube of 2.5 molar K2Cl2O7 to a 50 centimeter cube volumetric flask and dilute it by adding water up to the mark and mix. The resulting solution will be 0.05 molar K2Cl2O7. Same procedure as question number 1. Now question number 3. Commercial acetic acid is 17.8 molar. How can you convert this into 0.1 molar acetic acid? Molarity of acetic acid is equal to 17.8 molar. Volume of acetic acid needed V1 is equal to, we have to find it. Molarity of required acetic acid is equal to M2 is equal to 0.1 molar. Volume of required acetic acid V2 is equal to 1000 cm cube. So according to molarity equation as we use in question number 1, 2, M1V1 is equal to M2V2, we have to find V1 and we will get V1 is equal to 5.62 centimeter cube. Transfer 5.62 cm cube of 2.5 molar acetic acid to 1000 centimeter cube volumetric glass and dilute it by adding water up to the mark and mix. Resulting solution will be 0.1 molar acetic acid. Now let's move forward. Self-assessment exercise 6.8. Question number 1. Sodium chloride and glucose both are soluble in water, but the solubility of NaCl is greater than glucose. Explain why. NaCl or glucose, दोनों जो हैं वो soluble in water हैं, but solubility of NaCl जब glucose से greater है, ये क्यों है? वो हम explain कर रहे हैं. Sodium chloride and glucose both are polar in nature. Both of these compounds are polar. जो sodium chloride है वो polar ionic है और glucose जो है वो covalent polar. Because the reason of solubility of both in water.
जिसकी वजह से ये जो दोनों है वो सॉल्युबल है वाटर के अंदर. मोर पोलर इज द कंपाउंड मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी. जितना ज्यादा पोलर होगा कंपाउंड उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी. और NaCl जो है वो ज्यादा पोलर है यानी कंपाउंड एज कंपेयर टू ग्लूकोज दैट इज पोलर कोवलेंट. That is why the solubility of NaCl is greater than glucose in same solvent at same temperature. Question number two. In which liquid, if each of the following pairs, you would expect KCl ionic solid to be more soluble? ये हमें दो pairs से में हमने बताना है कि इनमें जो है वो किस में जो है वो KCl ज्यादा soluble है. Water और कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन और CH3OH. As KCl is an ionic solid compound, so we would expect that KCl will be more soluble in H2O or carbon tetrachloride pair. क्योंकि बेंजीन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है और CH3OH भी जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि KCl चूंकि आयनिक है तो वो सॉल्युबल भी आयनिक में होगा, दैट इज CH2O CCl4 पेयर. क्वेश्चन नंबर थ्री. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिक्विड आर मिसिबल. इनमें से कौन से पेयर जो है आपस में मिसिबल है. वाटर एंड बेंजीन फर्स्ट पेयर. These are not miscible with each other because water is polar and benzene is non-polar. ये जो दूसरे ये जो दोनों आपस में miscible नहीं है, immiscible है. वजह क्या है कि water जो है वो polar है, benzene जो है वो non-polar है. B. Benzene and carbon tetrachloride. These are miscible with each other because they have same intermolecular forces. इनके जो है intermolecular forces same है, तो ये जो दोनों है आपस में miscible है. C है and oil and benzene. These are also miscible with each other because benzene and oil both are nonpolar and have same intermolecular forces. ये दोनों जो है nonpolar और उनकी जो intermolecular forces है वो भी सेम है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में मिसिबल है. नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.9 दैट इज लास्ट सेल्फ असेसमेंट ऑफ चैप्टर 6. क्वेश्चन नंबर 1. यूज फिगर 6.5 दैट इज शोन इन योर बुक ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 फेडरल बोर्ड. हमने उसे देखना है और आंसर करने हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. At what temperature the solubility of KNO3 and KBr is seen? When we see the graph shown in figure 6.5, we will see that at 8 degrees centigrade approximately the solubility of KNO3 and potassium bromide is same. Question number 2. What is the solubility of KBr at 45 degrees centigrade? हमें ग्राफ से बताने हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ के बी आर एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी है. व्हेन वी सी द ग्राफ वी विल सी वी विल ऑब्जर्व द सॉल्युबिलिटी ऑफ के बी आर एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज 80 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ H2K. 80 ग्राम जो है वो के बी आर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, सोलूबल है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड. विच इज ग्रेटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड द सोलिबिलिटी ऑफ NaNO3 और सोलिबिलिटी ऑफ KBr. द सोलिबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट 96 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ H2O इज ग्रेटर देन पोटेशियम ब्रोमाइड. That is 76 gram in 100 gram of H2O at 40 degrees centigrade. And NaNO3 जो है वो 96 gram soluble है और जो है वो KBr जो है वो 76 gram in 100 gram of water soluble at 40 degrees centigrade.
जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है NaNO3 की वो ग्रेटर है देन पोटेशियम ब्रोमाइड. क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई फ्रॉम द ग्राफ द कंपाउंड हुज सॉल्युबिलिटी इज लिटिल अफेक्टेड विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. कौन सा कंपाउंड है जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ जब बढ़ा है टेम्परेचर तो थोड़ी बहुत अफेक्ट हुई है टेम्परेचर से. The name of compound whose solubility is little affected with increase in temperature is sodium chloride, that is NaCl. Thanks a lot for watching my video.